नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज एक बड़ा इवेंट था भारतीय बाजार के लिए जो कि ओवर होता हुआ दिख रहा है। आज के सेशन में GDP के नंबर आने थे, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के नंबर आने थे, भारत की ग्रोथ के नंबर्स थे जो कि आ चुके हैं। एक्सपेक्टेशंस बाजार की ऑलरेडी वीकर साइड पे थी कि कमजोर नंबर रहेंगे, लेकिन जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा कमजोर नंबर ये आते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या होगा बाजार में, क्या और फर्दर गिरावट आपको देखने को मिलेगी या फिर मार्केट में ऑलरेडी ये सब डिस्काउंटेड है, इसी के बारे में बात करूंगा। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और डाटा आज के सेशन में आया, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी, IMD की मीटिंग है आज शाम 5 बजे, वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो सुबह जो करी थी, स्टॉक जो बात कर रहे थे, अगर आपने नहीं देखी डेफिनेटली देख लेना, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज शाम को इसके बाद वाली वीडियो ही वो आपके साथ शेयर करूंगा और कुछ स्टॉक्स आपके साथ बात करूंगा, मतलब आप हैरान रह जाओगे वो डाटा सुनोगे। तो पहले मैं आपको GDP के नंबर्स बता देता हूं। जो GDP के नंबर्स हैं Q3 के, यानी कि जो दिसंबर तक का, अक्टूबर से दिसंबर का डाटा दिखा रहा है, वो ये कि GDP का नंबर लगभग 6.3% से घटकर 4.4% पे आता हुआ दिखा है। ये नंबर काफी ज्यादा खराब दिख रहे हैं एंड जो अनुमान था वो 4.7% का था, कि यानी कि मार्केट ऑलरेडी मान के चल रहा था कि जो GDP का नंबर है ये घटकर आएगा, बट उससे भी ज्यादा घटकर आया। 4.6-4.7% के मार्केट का अनुमान था कि इतना हमारा GDP का आंकड़ा आएगा, लेकिन उसके सामने 4.4% पे ग्रोथ देखने को मिली आपको Q3 की, अक्टूबर से दिसंबर मंथ की। ये तो आपके लिए अपडेट हो गई, मार्केट के बारे में आगे बात करूंगा। सेकेंड थिंग, आगे का जो पूरा FY23 यानी कि 22-23 का जो पूरा GDP का आंकड़ा है उसमें कोई बदलाव नहीं करा, वो अभी भी 7% की ग्रोथ ही देख रहे हैं। वहीं FY24 में ग्रोथ थोड़ी सी कम होते हुए दिखेगी, उसके बारे में आपके साथ फर्दर बात करूंगा कभी, लेकिन अभी जो डिटेल्स आई हैं वो यही हैं। अब सबसे बड़ी बात, क्या यहां से और गिरावट होगी बाजार में, तो इसका जवाब मैं तो दूंगा नहीं, इस खबर पे नहीं। वैसे हो सकती है जो US में चल रहा है, मतलब पॉजिटिव तो कुछ है ही नहीं। एक और चीज याद आ गई मेरे को, मतलब आप आज का डाटा देखो FIDI इसका, मतलब बहुत ही आप सरप्राइज हो जाओगे, इतना बड़ा डाटा आज आपके लिए आता हुआ दिखा है। FIIs ने आज बड़ी बिकवाली करी है और DIIs ने बड़ी खरीदारी करी है, लंबे समय बाद इतने बड़े डाटा सामने आए कैश मार्केट में। लेकिन अब मतलब इससे पहले केवल पिछले कुछ दिनों से, एक हफ्ते या फिर आप 5-7 ट्रेडिंग सेशंस का डाटा देखोगे तो केवल और केवल ऑप्शंस में बड़ा नंबर आ रहा था, लेकिन आज कैश मार्केट की बात करें तो FIIs लगभग 4,500 करोड़ से बड़ी बिकवाली करके गए हैं। 4,560 करोड़ की सेलिंग करी है उन्होंने, 4,560 करोड़ की आज FIIs बेच के गए हैं। वहीं DIIs ने दबा के खरीदा है, 4,610 करोड़ की बाइंग DIIs खरीदते करते हुए दिखे, तो ये अपने आप में एक बड़ी टक्कर चल रही है और आज बहुत बड़े नंबर्स आए हैं सामने आज, मतलब बड़े लंबे समय बाद। लेट्स सी कैसा मूव होता है। बट मार्केट में मैं आपके साथ अपना व्यू ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, अगर वीकली बेसिस पे 17,340 के नीचे मुझे क्लोजिंग मिलती है तो मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा और मैं मेरा टारगेट रखूंगा लगभग 16,850 से 800 तक का, जो कि सितंबर अक्टूबर 2022 के लोज है। उससे पहले मैं अभी मार्केट को पूरे हफ्ते चेक करूंगा, क्योंकि मेरा व्यू थोड़ा बड़ा बनाना है मुझे, तो मैं पूरी वीकली कैंडल पे मुझे क्लोजिंग चाहिए 17,340 के नीचे की, तभी मैं मार्केट को शॉर्ट करूंगा। अदरवाइज मैं पोजीशन देखता रहूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फ्रेश ट्रेड मैं लूंगा ही नहीं। मार्केट में ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड है, समझ रहे हो, जरूरी नहीं सिर्फ आप ट्रेड ले रहे हो तभी वो ट्रेड है, नहीं ले रहे हो तो आप अपना कैपिटल कहीं ना कहीं सेव कर रहे हो, कुछ नहीं बचा रहे तो डेफिनेटली ब्रोकरेज तो बचा ही बचा रहे हो, तो ट्रेड ना लेना भी ट्रेड है। और जो ट्रेडर मतलब बिना बात के ही ट्रेड करना ही करना है उसने, उसका बिना ट्रेड के काम ही नहीं बन रहा, ये समझ लो फिर आपको आदत है, आप एंटरटेन हो रहे हो मार्केट से और कुछ नहीं कर रहे आप। मैं पूरे वीक आपसे कहूंगा कि आप वेट करें, अगर 17,340 के नीचे क्लोजिंग आती है जो कि 50 SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज एंड 20 सिंपल मूविंग एवरेज के बिलो की क्लोजिंग हो जाएगी, और उसके बाद आपको सीधे 16,850 के लेवल्स देंगे, यानी 500 पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं। आज क्लोजिंग आई है डेफिनेटली, बट उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को पूरी वीक की क्लोजिंग नीचे चाहिए, वीकली कैंडल मुझे नीचे चाहिए, डेली कैंडल पे मैं चेक नहीं कर रहा हूं।
ठीक है, तो मार्केट में ये व्यू है। बाकी अगर आप बात करें इन्फ्लेशन, अगर आप बात करें रेट हाइक, आप बात करें ग्रोथ को लेकर, मार्केट में कॉशियस साइड डेफिनेटली है और इसीलिए वो नेगेटिव रिएक्शन चल रहा है। जब से फेड ने हॉकिश कमेंट्री करी है एफओएमसी की मीटिंग में, जब से आएगी और रेट हाइक्स होंगे, बड़े वाले होंगे 50 बेसिस पॉइंट्स के, तब से बाजार यूएस में गिर रहा है, हमारे बाजार भी फॉलो कर रहे हैं। बाकी इस डाटा के बाद एसजीएक्स निफ्टी में कोई चेंज नहीं है, वहीं के वहीं खड़ी है जहां पे थी। तो अभी तो मुझे लगता है कि इसके बाद ऐसा नहीं है कि जीडीपी का नंबर खराब आएगा तो मार्केट में कल बड़ी गिरावट होगी, ऐसा नहीं दिखता। यूएस में शाम को जो ट्रेड होगा उसके हिसाब से कल हम ट्रेड करेंगे, हाँ ट्रेड करेंगे और ट्रेड होना चाहिए, ऐसा व्यू रखता हूं मैं। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आप लोगों को वीडियो ये नंबर सब कुछ क्लियरली समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।